मीरपुर खास से मिट्टी रोड ख्वाजा चौक पर कोच मालकान की मरमस्तियां। 3 दिन पहले ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मेन रोड पर कायम किए गए कोचों के अड्डों को खत्म करने के बाद कोच के मालकों ने अपने लोगों को बिठाकर कोचों का अड्डा कायम कर दिया, जिसकी वजह से नौकोट ख्वाजा चौक पर ट्रैफिक एक बार फिर जाम होने लगी। इस सिलसिले में ट्रैफिक इंचार्ज ने रापता करने पर बताया कि हमने एक बार कोचों के अड्डे कई सालों से कायम किए गए अड्डों को खत्म करवा कर कोचों के मालकान को किसी दूसरी मखसूस जगह पर अड्डे कायम करने की पाबंद किया था, मगर फिर कोचों का अड्डा कायम कर दिया गया। हम मजबूर हैं, इंतजामिया को चाहिए कि वो इस मसले पर एक्शन लें। चौबा टेक सिंह थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, खानपुर से लाहौर ले जाने वाला मुर्दा भैंस का 5 मन गोश्त बरामद। चौबा टेक सिंह मुखबर की इतला पर इतला थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी से खानपुर से लाहौर ले जाने वाला मुर्दा भैंस का 5 मन गोश्त पकड़ लिया। मुजमान गोश्त को लाहौर में गोश्त की दुकानों पर फरोख्त कर रहे थे। मुजमान काफी अरसे से इस मकरूह धंधे में मसरूफ अमल थे। शेखुपुरा मशुरा ज़कात कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट मियाँ खालिद महमूद ने की, जबकि इजलास में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर चोया, जिले चेयरमैन ज़कात कमेटी खान अनीस खान समेत दीगर मेम्बरान ने भी शिरकत की। इजलास में सरकारी हॉस्पिटल में मुस्तहिक और नादर मरीजों के इलाज और मुआवजा और इनकी फलाह बहबूद के लिए 48 लाख रुपये की रकम के सोशल ऑफिसर्स को चेक तकसीम किए गए।